हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी मंडी द्वारा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राफेल विमानों की खरीद संबंधी घोटाले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद इस डील को रद्द करने के बारे में एडीएम मंडी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। दीपक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के हितों से भी खिलवाड़ करने से हिचक नहीं रहे हैं। वो आम भारतीयों की पूंजी को अपने पूंजीपति भागीदारों को लुटा रहे हैं। आज केंद्र में भाजपा एवं मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में राफेल डील में रक्षा सौदे का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि पूर्व में यूपीए सरकार राफेल विमान सौदे की डील को रद्द कर मोदी ने 526 करोड़ विमान की कीमत 1600 करोड़ रुपए की डील कर उसे 3 गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने राफेल विमान का कॉन्ट्रैक्ट अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को लगभग 130 लाख करोड़ का ठेका दे दिया है। यही नहीं, साथ में 50 साल तक विमान की देख रेख और मुरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को दे डाला। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता का पैसा दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि राफेल विमान का पुराना सौदे को रद्द क्यों किया गया। देश की जनता जानना चाहती है कि ऐसी खरीदारी के लिए जब सरकारी उपकरण बना है तो क्यों उसको दरकिनार करके निजी कंपनी को ये काम सौंपा गया है और उसी अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया है जो कि पहले से ही बैंकों का 45,000 करोड़ का कर्जदार है। दीपक शर्मा ने मोदी से सवाल किया है कि उसी विमान के सौदे को 1600 करोड़ रुपए में करके उसी कंपनी को ठेका देना आपकी और सरकार की क्या मजबूरी बनी कि जो कंपनी हाल ही में बनी और इसके पास विमान बनाने का कोई अनुभव भी नहीं है उसी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार द्वारा हिंदुस्तान की जनता के हित में ज्यादा दोस्ती को अहमियत दी है। दीपक शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा किया जाना देश और देश की जनता के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्य अगर भविष्य में भी ऐसे होते रहे तो एक दिन वे देश की आर्थिक स्थिति और देश के अस्तित्व को खोखला कर देंगी। दीपक शर्मा ने कहा कि इस सौदे को राष्ट्रपति देश के हित में तुरंत रद्द करे और सरकारी उपकरण के माध्यम से ही भविष्य में खरीदे जाएं। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी सरास के अध्यक्ष जगदीश रेड्डी, द्रंग ब्लॉक अध्यक्ष केहर सिंह ठाकुर, जोगिंदर नगर ब्लॉक अध्यक्ष जीवन ठाकुर, बल ब्लॉक अध्यक्ष अजय ठाकुर आदि उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने आज जिलाधीश मोदी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को राफेल डील जो मोदी सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को जिसका माध्यम बनाया है उसके रिगार्डिंग हमने राष्ट्रपति जी को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। और एक इसमें विशेष बात है कि आज ये घोटाला आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। इसका श्रेय भी मोदी को जाता है कि सबसे बड़ा घोटाला किया है। और सबसे बड़ी बात, उस कंपनी को ऑर्डर दिया गया जिसमें कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जैसे ही मोदी सरकार ने घोषणा की कि फ्रांस से हम राफेल वायुसेना की जो डील है वो करेंगे और उससे 10 दिन पहले एक कंपनी फ्रेम हुई जो रिलायंस डिफेंस लिमिटेड नाम से कोई कंपनी है। और सबसे बड़ी बात कि जो कंपनी का मालिक अनिल अंबानी जो पहले से ही भारतीय बैंकों का कर्जदार है, 45,000 करोड़ का कर्जदार है, उसको इस डील में शामिल किया गया। और ये जो घोटाला है एक लाख तीस हजार करोड़ का घोटाला है जो मोदी सरकार करने जा रही है। हमने राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया कि इस डील को रद्द किया जाए। ये जो पैसा है, ये जो कमाई है, ये जो भारत की पूंजी है, ये आम जनता की पूंजी है, ये आम बेरोजगार जनता की पूंजी है, ये आम जनमानस की पूंजी है, इसको इस तरह से हम लुटाने नहीं देंगे और इस डील को तुरंत रद्द किया जाए।